हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजलिंग प्लेट विद फाकरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी, कलेजी फ्राई, मसाला कलेजी फ्राई। बहुत ही आसान होती है, जल्दी बनती भी है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और जो लोग नहीं खाते ना, अगर वो एक बार ऐसी बनाकर खा लेंगे ना, तो वो हमेशा खाने लगेंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, बढ़िया सी बनी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और अच्छी फ्राई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और फटाफट आपको बताऊँगी कि बनाना कैसे है और उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे दो मैंने प्याज लिए हैं, उसको बारीक बारीक काट कर लेना है और उसको हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, उसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, जो हमारा प्याज है वो अच्छे से थोड़ा फ्राई हो चुका है। उसी वक्त इसमें हरी मिर्चें काट के डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 6-7 हरी मिर्चें ली हैं और ये मैंने आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा कलेजी है, मुर्गी की कलेजी। नमक डालेंगे अपना टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा, और एक चम्मच भर के इसमें लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और ये सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको चला लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस को फास्ट रखेंगे, इंडक्शन उसको फास्ट रखेंगे, क्योंकि इसको हमें अच्छे से मसाले को भुनने देना है। ये देखिए, जब तक ये पूरे बोटी का कलर चेंज हो जाए, मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए ना, इस टाइम पे हमें इसको थोड़ा सा ढक के रखना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए रख दिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो चुके, आप देख सकते हैं जो हमारी कलेजी है वो कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बढ़िया सी। जो तेल है वो कलेजी से अलग हो चुका है, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, कुछ भी कमी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी ये फ्राई हो चुकी है। और इसमें हम ऊपर डाल देंगे गरम मसाला पाउडर खुशबू के लिए। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितनी जल्दी फटाफट से हमारी ये कलेजी बन के तैयार हो चुकी है, मसाला कलेजी, और आसान सी रेसिपी। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, यम्मी मज़ेदार सी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो देखा फ्रेंड्स, फटाफट हमारी ये कलेजी मसाला फ्राई बनके तैयार हो चुकी है। और इसके साथ हम एक नींबू भी रख लेंगे और इस नींबू डाले खाएंगे तो और मज़ा आने वाली है। आप इसको चाहे रूखा खाइए, रोटी के साथ में खाइए, या फिर पाव के साथ में, पाव के साथ में बहुत यम्मी टेस्टी लगता है। तो और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने इसमें पानी नहीं डाला है, तो हाँ फ्रेंड्स, कलेजी में पानी नहीं डालना है वरना ख़राब हो जाएगी, उसकी स्मेल आने लगती है, इसलिए पानी नहीं डालना है, अच्छे से तेल डाल के बनाना है। तो ये रहा हमारा पाव, इसके ऊपर हमें लगाइए पुदीने की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको खाने के बाद में। इस पर हम डालेंगे अपनी कलेजी की बोटी फ्राई और इस पर थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स आपको खाने में। अपने घर में बनाइए, इंजॉय करिए, टेस्टी वाली कलेजी बनाइए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।